गूगल एडसेंस में पहले से अकाउंट है या नहीं चेक कैसे करें, तो मैं इस वीडियो में आपको दो स्टेप में बताऊंगा कि आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आपके पहले से गूगल एडसेंस में अकाउंट है या नहीं। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसके लिए आपको जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, फिर आपको ये वाला सेक्शन पर आ जाना है, फिर आपका जो भी डाउट है कि मेरा इस जीमेल से, या फिर आप एक एक जीमेल करके आप जो है चेक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको क्या करना है, जीमेल में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको कॉर्नर पे, आपको यहाँ पे जीमेल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे कुछ इंटरफेस आएगा आपके जीमेल का। तो यहाँ पे आपको जो कि गूगल अकाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, सिंपली आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है गूगल अकाउंट पे। आप जैसे गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे कुछ इंटरफेस आ जाएगा, आप जो भी जीमेल से चेक करना चाहते हैं। फिर आपको यहाँ पे जो है डेटा एंड प्राइवेसी इस वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली। फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको धीरे से धीरे धीरे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐप एंड सर्विस, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया ऐप एंड सर्विस, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट सेव फ्रॉम गूगल सर्विस, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ देर लोडिंग लेगा दोस्तों, लोडिंग लेगा कुछ देर, फिर लोडिंग लेने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, फिर आप जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं जो कि मेरा इस जीमेल से गूगल मैप ओपन है एंड गूगल प्ले स्टोर है, यूट्यूब है, गूगल ड्राइव है, गूगल पे है, फोटो है, जीमेल है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मेरा इस जीमेल से यहाँ पे मेरा एडसेंस अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाम आ गया यहाँ पे जिस नाम से बना हुआ है, और ये एड्रेस भी आ गया यहाँ पे, एड्रेस भी दिखा देगा। तो आप जो कि ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पे आ जाना है क्रोम ब्राउजर में, फिर आपको यहाँ पे सिंपली आपको उस जीमेल से लॉग इन कर लेना है क्रोम ब्राउजर को, जिस जीमेल से आप चेक करना चाहते हैं, है ना सिंपली। फिर आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है google.com, फिर यहाँ पे देना है /adsens, आपको ऐसा लिख के सर्च कर देना है सिंपली, आपको google.com/adsens। अब जैसे ही सर्च करेंगे तो कुछ देर तो लोडिंग लेगा ही, फिर लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली जो है गूगल एडसेंस अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपका ये दिखाएगा, प्रोफाइल दिखाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इस ईमेल से जो कि गूगल एडसेंस अकाउंट बना हुआ है। और अगर दूसरे जीमेल से चेक करना है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको आ जाना है, जीमेल को चेंज कर लेना है, साइन आउट कर देना है, फिर आपको दूसरे जीमेल में चेक करने के लिए दूसरा जीमेल को मैं जैसे कि यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ एंड यस आई एम, फिर यहाँ पे जैसे देख सकते क्रोम ब्राउजर में मैंने दूसरा जीमेल को लॉग इन कर लिया। फिर से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ google.com एडसेंस। अब जैसे ही मैं ये वाला जीमेल पे सर्च करूँगा, जैसे आपका जो भी जीमेल पे नहीं रहेगा एडसेंस अकाउंट, तो आपको ऐसा कुछ दिखने के लिए मिलेगा, ये जो कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहेगा गेट स्टार्ट, यानी कि आपको यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि आपके इस जीमेल पे अकाउंट है ही नहीं। अगर जो भी जीमेल पे आपका पहले से एडसेंस अकाउंट नहीं होगा तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा एंड ऐसा कुछ दिखाएगा गेट स्टार्ट, और अगर आपका पहले से रहेगा तो आपको एकदम डायरेक्टली ओपन हो जाएगा आपका गूगल एडसेंस। तो इसी तरीके से चेक करते हैं दोस्तों, तो आप सबसे पहले चेक कर लेना आपका जो भी जीमेल में पहले से एडसेंस अकाउंट है या नहीं,